हो सकता है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने तहकीक की, हमारे मुसलमान ने सही स्वागत नहीं किया, तो फिर वो सेकेंड बेस्ट रीजन पे गए जो था बुद्धिज्म। और आज जो दलित है उन्हें कहते हैं नियो बुद्धिस्ट। तो आप बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब की तहकीक करेंगे, मैं पढ़ चुका हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर की किताबें, कई बार लिखा गया है उन किताबों में कि किस तरीके से हिंदू को सही रास्ते दिखाए। और हिंदुइज्म के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और ये सही मौका नहीं कहने के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा हिंदू किताब के बारे में, कि वो मेरा मकसद नहीं है। लेकिन मैंने उनकी किताब पढ़ चुकी है, तो गलती थी अब मुसलमानों की। इसीलिए मैं कहता हूँ ये तकरीर का मौजू वही था, दावत या हलाकत। अगर आप गैर मुसलमान को इस्लाम का पैगाम नहीं पहुँचाएंगे, अल्लाह ताला आपको नष्ट कर देगा, अल्लाह ताला आपको हलाक करेगा। तो इस तकरीर का मौजू वही था, क्योंकि हम मुसलमानों ने सही तरीके से गैर मुसलमान को इस्लाम नहीं पेश किया। और जब बाबा साहेब अम्बेडकर इस्लाम कबूल करना चाहते थे, हम मुसलमानों ने उनको सही तरीके से वेलकम नहीं किया, सही तरीके से स्वागत नहीं किया, इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर गए नेक्स्ट बेस्ट रिलीजन वो बुद्धिज्म। सिद्धांत प्रतिपादित करता हुआ कहता है, चारों वर्ण ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पांव से। मनु ने शूद्र को सबसे नीची सीढ़ी पर रखा। एक बार अछूत की तरह पैदा होकर वो हमेशा अछूत रहता है। मरे हुए पशुओं को ढोने और उनका मांस खाने से लेकर रास्ते पर चलने की मनाही तक अछूत हमेशा समाज से काट कर रखे गए। पेशवाओं के जमाने में अछूतों को कमर में झाड़ू बांध कर चलना पड़ता था, ताकि वे अपने पद चिन्ह मिटाते चले। उन्हें गले में मटका बांध कर चलना पड़ता था, ताकि उनके थूक से जमीन अपवित्र न हो जाए। ये गुलामी रोमन साम्राज्य की गुलामी से भी बदतर थी, और अमरीकी निग्रो और जर्मनी के यहूदियों के साथ जो किया गया उससे ज्यादा क्रूर। ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक? क्यों रे? मंदिर में क्यों घुसा? शरण लेने के लिए, कल रात बहुत बारिश हो रही थी। तूने मंदिर को भ्रष्ट किया है, ये पवित्र छाया मूर्ति पर पड़ी। गंदे नीच कमीने, अधम अधम तरीके अपने आप को अम्बेडकर समझता है। आजकल तो हर कोई खुद को अम्बेडकर समझता है। मारो, अच्छा सबक सिखा दो, सरकार के दामाद बने फिरते हो। ऐसा सबक सिखा दो कि याद रहे। गौतम मोहन का बदला देंगे। दलित एकता जिंदाबाद। दलित एकता जिंदाबाद। गौतम मोहन का बदला देंगे। मेरे को पार न करें, इसके पार जाना मना है। कृपया
मक्का हमें छोड़ना बहुत बड़ा धक्का होगा हिंदुत्व के लिए। धक्का? मुझे ताज्जुब हुआ मिस्टर प्रधान, हम गंदे अछूत तो सब कुछ अपवित्र करते आए हैं, यहाँ तक कि आप जैसे आर्यों को भी। क्या हमारे जाने से आपके धर्म की सारी गंदगी दूर नहीं हो जाएगी? बाबा साहब, बात सिर्फ आपके बाहर जाने की नहीं है, इससे भविष्य में हिंदुओं का बहुत भारी नुकसान होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मसूरकर महाराज, हिंदुस्तान का इतिहास ऐसे ही चलता रहेगा। हिंदू ही अपने देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे तब नहीं? तो ठीक है, फिर सवर्ण हिंदू कसम खाएं कि एक नियत समय में वो छुआछूत की भावना से मुक्त हो जाए। क्या ये इतना आसान है? समस्या की गंभीरता को समझिए, इसमें समय लगेगा। हिंदुओं के हृदय परिवर्तन के लिए मैं 5 साल इंतजार कर सकता हूँ। गारंटी क्या है? मैं कैसे यकीन करूं? मैं जानता हूं आपकी नीयत अच्छी है, आप किसी महार को शंकराचार्य क्यों नहीं बना देते 1 साल के लिए और हजारों ब्राह्मणों को उनके चरण छूने दीजिए। मेरा नाम ड्रेशर है, मैं आगरीपाड़ा मिशन से हूँ। मैं आपको अमेरिका से आए डॉक्टर हेनरी क्रेन से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो डॉक्टर क्रेन। हेलो। ये आपके धर्म परिवर्तन आंदोलन का जायजा लेने आए हैं। और मिस्टर गांधी से वर्धा में पहले मिल चुके हैं। हाँ डॉक्टर अम्बेडकर, इस मामले में मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ ईसाई धर्म के पास ही आपके सारे सवालों का जवाब है। अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो सारे ईसाई देश आपके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्तर को उठाने में मदद करेंगे। और मैं सोचती हूँ किसी भी हिंदुस्तानी को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि धरती के उत्तराधिकारी गरीब ही होंगे। वैसे आप कौन सी बाइबल पढ़ती हैं मिस ड्रेशर? द होली बाइबल ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही, पर कौन सा एडिशन? आधुनिक संस्करण, किंग जेम्स संस्करण या उसके भी पहले एलिजाबेथ के जमाने की? मिस ड्रेशर, क्या आपने कभी कमेंट्रीज ऑन द बाइबल पढ़ी है, कुक की लिखी? उसमें बाइबल का अच्छा विश्लेषण। हाँ वो भी पढ़िएगा, लाइफ ऑफ जीसस रना की लिखी और खलील जिब्रान की जीसस द सन ऑफ मैन। इन सब किताबों में आपको क्रिश्चियन धर्म के अलग अलग पहलू नजर आएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर, हम आपको पूना के मेथोडिस्ट चर्च के मिशन में और वार्षिक समारोह में शामिल होने का हार्दिक आमंत्रण देते हैं। कोशिश करूंगा। बाबा साहब, मुस्लिम भारत आपका और आपके अछूत साथियों का इस्तकबाल करता है और हम वादा करते हैं कि अछूतों को पूरी बराबरी मिलेगी, सियासी, मुआशरती, इक्तसादी और मजहबी हक भी मिलेंगे। जैसा आप जानते हैं बाबा साहब, हमारा धर्म एक ही भगवान में विश्वास करता है एकंकार और सारे अनुयायियों को एक ही नजर से देखता है। पिछड़ी जाति के धर्म परिवर्तन के मामले में ये आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। महाबोधि सोसाइटी से ये टेलीग्राम आया है। डॉक्टर अंबेडकर, आप और आपके साथियों का बुद्ध धर्म स्वीकारने के लिए हार्दिक स्वागत, जो कि आशिया के बड़े भाग में फैला है। धर्म परिवर्तन करने वालों को हम समान अधिकार देंगे। हम लोगों में किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं है। हमारे कार्यकर्ता आपसे मिलेंगे, हमें सूचना भिजवाइए। वामन राव गोड बोले, मुझे विश्वास है कि एक दिन मानवता को बचाने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया बौद्ध धर्म स्वीकार करेगी। तय हुआ है कि हम लोग 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा लेंगे। मैंने गांधी जी को वचन दिया था कि समय आने पर मैं देश के हित में रास्ता चुनूंगा और मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करके देश को एक महान भेंट दे रहा हूँ। ये धर्म भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। लेकिन तब आप अछूतों के लिए मिले हुए आरक्षण और सुविधाओं से वंचित नहीं हो जाएंगे?
क्या ब्राह्मण इन आरक्षणों के बदले में अछूत होने के लिए तैयार हैं? हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं आप? आप अपने बाप दादाओं से क्यों नहीं पूछते ये सवाल? हमारी कोशिश अपने मूलभूत मानवाधिकार और आत्मसम्मान पाने की। पर बुद्ध धर्म क्यों? क्योंकि बुद्ध का धर्म नैतिकता और आचार नियमों पर आधारित है, इसमें कोई जाति प्रथा नहीं। क्योंकि हिंदू धर्म का सामाजिक उपदेश ही असमानता है, जबकि बुद्ध धर्म का उपदेश समानता है। क्योंकि बुद्ध के उपदेश आधुनिक, बुद्धिसंगत और सदा समकालीन है, कोई कट्टरपंथ नहीं। वो चाहते हैं कि आपका सोचना और जीना विवेकपूर्ण। बुद्ध के अलावा दुनिया के सारे धर्म संस्थापकों ने अपने आप को मसीहा कहा, सिर्फ बुद्ध ही हमेशा मार्गदर्शक बनकर रहे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि। अनातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। सुरामेराया मज्जपमादथाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूँ, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है। सुनो मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब हिंदू नहीं हूँ और अछूत भी नहीं हूँ। मैं एक मुक्त मानव हूँ, एक आजाद इंसान जो इस हानिकारक समाज व्यवस्था का गुलाम नहीं। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन धम्म का प्रचार करने और बुद्ध के प्रकाश को फैलाने में लगाऊंगा। और अब मेरे भाइयों और बहनों, जो बुद्ध द्वारा दिखाए गए प्रकाश की तरफ मेरे साथ अनुसरण करना चाहे, वो खड़े होकर शरण क्रय दोहराएं और मेरे साथ शपथ लें।
मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए दसों नीति वचनों का पालन करूंगा। मैं सारे पशुओं के साथ करुणा का व्यवहार करूंगा। मैं सारे मनुष्यों को एक समान समझूंगा। मैं गौतम बुद्ध के धम्म का स्वीकार करूंगा और अपना पुराना धर्म छोड़ दूंगा जो मनुष्य जाति की प्रगति में बाधक है और जो मनुष्य को घृणा की नजर से देखता है। मैं गौतम बुद्ध के धम्म का स्वीकार करूंगा और अपना पुराना धर्म छोड़ दूंगा जो मनुष्य जाति की प्रगति में बाधक है और जो मनुष्य को घृणा की नजर से देखता है। इसके साथ मेरा नया जन्म होगा। इसके साथ मेरा नया जन्म होगा। मैं ना तो हिंदू देवताओं की पूजा करूंगा और ना ही हिंदू कर्मकांडों का पालन। मैं ना तो हिंदू देवताओं की पूजा करूंगा और ना ही हिंदू कर्मकांडों का पालन। आज के बाद जो तीन सिद्धांत बुद्ध ने बताए हैं, प्रज्ञा, सन्मार्ग और करुणा, जीवन भर मेरे कर्मों को दिशा देते रहेंगे। आज के बाद जो तीन सिद्धांत बुद्ध ने बताए हैं, प्रज्ञा, सन्मार्ग और करुणा, जीवन भर मेरे कर्मों को दिशा देते रहेंगे। Your Majesty, as a king, you should love your people as your own children. A king should not oppress the people. Life should be valued equally, as nothing is more honorable than life itself. Whatever the hierarchy, every person has an inner self that can shine forth. Let go of me. I am dirty. Niti, we should not look down upon ourselves. One does not become distinguished by one's birth, but by one's behavior. You clear the dirt from people's homes. I clear the dirt from people's hearts. Hence, you and I are the same. Please rise.